तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए गोवा। तो जी अगोंडा में जिस होटल में हम लोगों ने बुकिंग की थी मेक माई ट्रिप से, वो तो फ्रॉड हो गया। एक्चुअली आज इतना रश है कि उन्होंने मना कर दिया कि हमारी मेक माई ट्रिप से कोई टाई अप भी नहीं है, और पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अगर रूम खाली होता तो दे देते, तो रूम ही देने से मना कर दिया। और अगोंडा बीच पर हम लोगों को कहीं रूम नहीं मिल रहा है। अब रूम मिल नहीं रहा है तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, एक दो जगह कॉल किया, फाइनली बहुत दूर 20-25 किलोमीटर दूर आसोलेम करके है जगह कोई, वहाँ एक गेस्ट हाउस मिला है, तो फिलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सोलना में हम लोगों को एक फातिमा गेस्ट हाउस करके मिल गया, बड़ा मुश्किल से ऑनलाइन। अगोंडा पे तो कुछ मिल भी नहीं रहा था, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर आना पड़ा, और हड़बड़ी में कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। एकदम छोटा सा रूम मिला है, और देखिए ना रूम में ही उधर बेसिन लगा हुआ है। हालांकि रूम ठीक है, एसी है, और टॉयलेट जो है ना वो भी बड़ा छोटा सा है। तो जी अब क्या कर सकते हैं, गड़बड़ी जो होनी थी हो गई, लेकिन हम लोग का जोश अभी भी हाई है। हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं अभी, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जो नज़दीक में सबसे बीच होगा ना वहाँ चलेंगे, नहाएंगे खाएंगे। तो जी आसोलेम में हम लोग यहाँ रुके हैं फातिमा गेस्ट हाउस में, जल्दी जल्दी में जो मिल गया, और गाड़ियाँ ही रोड पे खड़ी है। अभी हम लोग बीच के लिए निकल रहे हैं, तो चप्पल वगैरह सब ये माँ बेटी निकाल रहे हैं। तो ये है जी केवलोसिम बीच वाला रोड, हार्डली यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो हम लोग सोच रहे हैं वहीं चलते हैं। मस्त यहाँ पर गोवा में जो मकान होते हैं ना, चटकीले रंग में लोग रंगते हैं, गुलाबी कलर तो फेवरेट है। अरे वाह, देखो देखो जी मूवी वाला सीन। तो बीच से पहले अपन रुक गए, थोड़ा शॉपिंग करना है, शॉपिंग इन द सेंस वाइन स्टोर दिख गया, और लवी को ना बीच टॉय लेना है। देख वहाँ है लवी, पूछ ले वहीं पे तो रखा है। और इधर सुपर मार्केट है, इधर से भी कुछ ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों के लिए। क्या हो गया? नहीं नहीं जूस मिलेगा, चलो। हाँ खिलौना ले लिया ना, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत जुगाड़ ले लिया है, बाकी तो अब शैक पे जा रहे हैं तो वहाँ तो सब मिलता है। तुझे इतना मुश्किल हुआ, इतना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, होटल बुकिंग में फ्रॉड हो गया, फिर भी हम लोग जो है ना अभी तक मतलब निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। अब आए हैं इतनी दूर से तो मस्ती करके ही जाएंगे। तो बीच के पास जो रोड है ना वो फुल्ली ब्लॉक्ड है। यहाँ जगह था जी, यहाँ ले आके गाड़ी लगा दे हम, तुम यहाँ जगह रोक के रखो। फाइनली अपन पहुँच गए समंदर के किनारे इतनी जद्दोजहद के बाद, और यहाँ तो वाटर स्पोर्ट्स भी है लवी। खैर चल पानी में कूदते हैं, और यहाँ फॉरेनर बहुत ज़्यादा है। हाँ ये फॉरेनर्स का ही बीच है मेनली। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक ये ले लेते हैं पहले बीच शैक पे, फाइनल कर लेते हैं कहाँ बैठना है, और फिर वहीं पड़े रहेंगे। बाबू असल में ना पानी से बहुत डर रहा है, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ क्या होता है ना कि वो पहली बार में बहुत डरेंगे, 10-20-30 मिनट के बाद धीरे धीरे जाके नॉर्मल होगा। तो वीना उसी के साथ इधर उधर भटक रही, वो आना नहीं चाह रहा है समंदर के पास। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तो यहाँ आके भी बाबू परेशान कर रहा है, और लवी तो उधर पानी में चली गई है, लवी इज सुपर एक्साइटेड। तो अब रवि आ गए हैं अपने बीच वाले कपड़ों में, अब ये बस समुंदर में गोते लगाने वाले हैं। तुम भी चलो, हाँ चलते थोड़ी देर में। तो ये लवी और रवि और दैविक तीनों समुंदर में मजे करते हुए, इन लोग को एंजॉय हो रहा है। अब चलो पानी में घुसो, चलो पानी में घुसो सब, आजा देविक। और देविक जो है ना ऑरेंज जूस पी रहा है, और इस ऑरेंज जूस में कुछ नहीं मिलाया हम लोगों ने, ये प्योर ऑरेंज जूस है। भाई साहब समुंदर में मस्ती चालू हो गई हम लोगों की। आ गई। अरे बाप रे बाप। और लवी जो है
बीच हाउस बनाने में बिजी हो गई, बालू खरीदने लगी। ठीक है, तो ऊपर बनाती हूँ ना तो ज्यादा बनता है। अच्छा खैर यहीं बना। कैमरा रख ले, कैमरा रख अपने पास। तो ही बना मेरा सेट कासल और यहाँ एलएवीआई। तो हम लोग इधर नहा रहे थे, इधर अपना ड्रिंक और स्नैक्स आ गया। आओ जी बैठो। और चूंकि बजट ट्रिप है तो हम लोग ऑरेंज जूस अपना लेकर आए हैं। और अभी क्या है, तो अभी क्या है ना कि अपना थोड़ा खाना पीना हो जाए, पानी मिलाना है, हार्ड हो जाएगा नहीं तो। अपना थोड़ा खाना पीना हो जाए, एक बार हम लोग नहा लिए मतलब अच्छे से मस्त इंजॉय किए करीब 15-20 मिनट में ये, और अब उसके बाद ये सब खाना पीना हो जाए तो फिर पानी में जाएंगे, उसके बाद खाना होगा। यही तो गोवा का मस्ती है। मुझे मशरूम चिली मंगाया था हमने, मशरूम चिली मंगाया था। प्लेट की जरूरत है तो पानी से मैं कुछ कुछ चीजें उठा ली, तो एक कुछ सीप और एक प्लांट। पानी से मम्मी पापा वहाँ दूर में अभी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी चलिए पानी एंजॉय करने। खाना आ गया जी अपना, बीच शेक पे तो यही मजा है, खाओ पियो समंदर में नहाओ। तो पता नहीं सब्जी मंगाई थी गोभी की, क्या दिया है जो भी है, और रोटी। माँ बेटी को कब से चिल्ला रहा हूँ आ जाओ। आ गई लवी, मम्मी को तो बुला, वो आ ही नहीं रही है। बाबू को शुरू में डर लग रहा था और अब वो उल्टा हो गया है, पानी में से निकल नहीं रहा है। जो तुमको रोटी दे रही है ना मम्मा, आओ लवी का प्लेट उधर ही कर दीजिए। लवी तो जी बीच शेक पे जो बिल आया है ना, वो आया है 910 रुपए का। हाँ, इसमें खाना भी है पीना भी है, हालांकि हम लोगों ने ज्यादा कुछ लिया नहीं था। तो जी 20 शेक से अपनी विदाई हो रही है, शाम के 4:30 बजे हम लोग आए थे, करीब 3 बजे के आसपास ना, 3:30 के आसपास आए थे। हाँ चलो, अब जिस कपड़े में आए थे उसी कपड़े में चलते हैं गाड़ी में। चाबी किसके पास है, बैग में है ना? हाँ, तो बेनोलिम बीच पर जो है ना पार्किंग का ये हिसाब है। अच्छा हाँ सॉरी, केवलोसिम बीच पर पार्किंग का ये हिसाब है। चढ़ गई है क्या जी हल्की? एनीवे, पार्किंग सड़क के किनारे ही रहती है, वैसे ही सड़क के किनारे जो है ना गाड़ियाँ लगी रहती हैं, वैसे ही आपको भी लगाना पड़ेगा। चलो बैठो जी बैठो। तो जी शाम के करीब 6 बजे हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फिर से अगोंडा। अगोंडा में हम लोग जा रहे हैं कैफे हारमोनी हैरी ढिल्लन से मिलने, और उनके कैफे पर ही अपना डिनर होगा आज। तो अगोंडा जाने के लिए बेसिकली दो रूट है, एक तो हाईवे होकर है जिससे हम लोग दोपहर में आए, और एक है जो है ना बीच हो करके, मतलब समंदर के थोड़ा किनारे किनारे काबो द रामा हो करके। तो दोनों रूट लगभग इक्वल किलोमीटर्स हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बीच वाले साइड से जाएंगे, बीच में देखा जाएगा कहीं सनसेट देखने का मौका मिला अच्छा तो रुक भी जाएंगे। सनसेट तो हो गया, टाइम हो गया है 6:30 के राउंड, और ये अंदर वाली जो रोड है इस पर भी आज अच्छा ट्रैफिक है, अगेन वही टूरिस्ट फ्लो की वजह से। इसको हम लोग अक्सर हैरी ढिल्लन के वीडियोस में देखा करते थे, है लेकिन बड़ा सीनिक रोड और चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में पतला सा रोड है। नॉर्मल डे में तो इस पर ट्रैफिक एकदम और कम रहता होगा। पहुँच गए जी हम लोग अगोंडा, और आइए अब आपको हैरी जी से मिलवाते हैं। आ गए सर दोबारा। मिल गया रूम वगैरह? हाँ, उसी में जिसमें फोन किया था हमने ना, वही मिला। तो जी अगोंडा बीच के पास ये है कैफे हारमोनी
हैरी ढिलन जी का, और हैरी जी भी यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, तब ऑनलाइन चल रही थी, मुझे लगा कहाँ याद होगा, लोग आपको इतने मिलते हैं रे। पर्सनली मिलते हैं तो हाँ, कई बार क्या फेस याद नहीं आता। हाँ, दुकान पे आपके बैठा हुआ था मैं आधे घंटे तक। हाँ, उस समय ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, उस समय पटना में था। तो जी, हम लोगों ने हैरिस जी के यहाँ पहले बर्गर ऑर्डर किया और फिर पिज्जा। बता लो भी कैसा है बर्गर, मस्त है, सही है? मस्त है। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बन भी बहुत सॉफ्ट है। तो ये हमने एक फार्म हाउस पिज्जा भी मंगा लिया है, टेस्ट करो जी मैडम, क्या हुआ अल्टीमेट चीजी। अभी पापा पता नहीं क्या पहने हुए, ये सस्ती बेडशीट है या शर्ट? बेडशीट है जी, इतना बढ़िया। हाँ, कि क्या पहने हुए। तो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है ना, फिर दोबारा फिर आएंगे तो जरूर आएंगे मिलने, ठीक है? और एंजॉय करो अपनी ट्रिप। हाँ बिल्कुल, अब कल तो कोलवा में रुकेंगे जी जी, और फिर वहाँ से परसों निकल जाएंगे। पक्का पक्का, ठीक है सर, चलिए ओके, थैंक यू। तो जी, रात के करीब 9 बजे हैं और हम लोग अगोंडा से वापस आ गए अपने होटल या गेस्ट हाउस कह लीजिए। एक और हेक्टिक दिन जो है वो ख़त्म हुआ। सुबह से नौटंकी चल रही है, आप देख ही लिए कि पहले तो वो कांड हो गया होटल बुकिंग में, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। अब हुआ जो भी हुआ, खैर उसके बाद हम लोग क्या हुआ किए ना कि हैरी जी के पास उस समय ही भी गए थे अगोंडा में, कि भाई इनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत होटल वालों को जानते हैं, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से हाथ पैर मारा बट कहीं मिला नहीं इनको। तो फिर हम लोग ऑनलाइन सर्च किए, वो भी ऑनलाइन ही सर्च करने लगे, तो खैर जो मिला सो मिला, अब जो हुआ सो हुआ। फिर मैं एक माई ट्रिप वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने भी बात की, तो होटल वालों ने उनको भी मना कर दिया। सही में उनका कोई टाई अप नहीं था, होटल वाले सही कह रहे थे, मेक माई ट्रिप वालों की गलती थी। खैर जो भी हो, मेक माई ट्रिप ने पैसा रिफंड कर दिया, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं था। बाकी आज का दिन का हाई पॉइंट यही रहा, हैरी जी से मिलना, हैरी और मोनिका दोनों से मिले, खूब बातें की हम लोगों ने, वो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और हैरी ढिल्लन को मैं करीब 3 या 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 2020 में कोविड के समय से। शुरू में इनकी रोड ट्रिप्स देखा करता था, और कहीं ना कहीं आप माने ना माने, पटना से नोएडा, नोएडा से राजकोट जो ये मैं शिफ्ट हुआ पिछले 2-3 साल के अंदर 2 बार, उसके पीछे का जो मोटिवेशन है ये इन्हीं से मिला। दिल्ली से इनको मैंने देखा है पूरे परिवार के साथ एक टियागो में सारा सामान रख करके उसी कार से अगोंडा शिफ्ट होते हुए, और जबकि अगोंडा में ना इनके पास जॉब था ना कुछ था, बस एक जिद थी कि रहेंगे तो गोवा में रहेंगे। और शुरू में इनको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, और इनके पास कुछ ना होते हुए भी इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट करके अच्छा खासा लाइफ अपना सेटल कर लिया है। तो इनको देख करके हम लोग भी मोटिवेट हुए कि अपने पास तो सब कुछ है, तो फिर अपन क्यों नहीं पटना छोड़ पा रहे हैं, जबकि मूड बहुत पहले से था। और फाइनली 2022 में पटना छोड़ पाए, और उसके बाद 2022 में पटना छोड़े, 2023 में नोएडा भी छोड़ के चले आए। अब शिफ्टिंग से तो डर भी नहीं लगता है, हो सके तो अगले साल वो लोग कहीं और शिफ्ट कर जाए, फिलहाल राजकोट सही है। एनीवे, बातें इधर की उधर हो रही है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और कल का दिन हमारा कोलवा में बीतेगा, कल और मौज मस्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, वो सब आप अगले ब्लॉग में देखना। तो फिर मिलेंगे जल्द ही अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।